दिल्ली में हुए फिल्म शेफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के डायरेक्टर राजा कृष्णा मेनन, एक्ट्रेस पद्मप्रिया जानकी रमन और एक्टर सैफ अली खान मौजूद रहे। इस फिल्म की स्टोरी रियल शेफ जॉन फेवरियो के ऊपर आधारित है। इस फिल्म में शेफ का किरदार निभा रहे सैफ से जब उनके शेफ बनने का एक्सपीरियंस पूछा गया तो उन्होंने अपने ऑन सेट मोमेंट्स शेयर किए और अपना फेवरेट डिश भी लोगों को बताया। ये फिल्म जो है रिलेशनशिप्स पे बनी है ज़्यादा। राजा जी चाहते थे कि मैं कंफर्टेबल रहूँ किचन में, तो हमने बहुत सी अलग चीज़ें प्रैक्टिस की। प्याज काटना और बहुत तेज तरह काटना, वो नहीं चाहते कि वो शॉट कुछ चीट करें। अलग अलग चीज़ों को पकाना, अलग अलग हंडियों को संभालना, तो ये सब प्रैक्टिस किया। मेरा फेवरेट डिश अगर कोई है तो एक सिंपल सी दाल होगी जो पकाना भी काफ़ी आसान है। और अगर पकाना चाहूँगा किसी के लिए तो किसी भी दोस्त या घर वाले के लिए या किसी के लिए। खाना बनाना, किसी को खिलाना एक बहुत अच्छी बात होती है और बहुत मज़ा आता है एक्चुअली मुझे किचन। फिल्म के डायरेक्टर राजा कृष्णा मेनन ने फिल्म शेफ के बारे में लोगों को बताया कि ये फिल्म एक बाप बेटे के रिलेशन के ऊपर है। ये फिल्म जो है एक ये रिलेशनशिप्स में है, एक फादर एंड सन का रिलेशनशिप। एक जैसे कि आजकल देखा जाए तो लोग, मैडम इफ यू कैन सिट डाउन आई कैन सी हिज फेस एक्चुअली, इट बी नाइस यू नो। सो काम में इतने उलझे रहते हैं कि बाकी जो फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि सक्सेस क्या है एक्चुअली, हैप्पीनेस क्या होता है, पैसा बनाना या सक्सेसफुल होना, सेलिब्रिटी होना है, या फिर अपने जो फैमिली है या बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये सब क्वेश्चंस है। एक डिवोर्स्ड फैमिली है क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ साथ में नहीं है, तो उनका भी रिलेशनशिप एक नया नया आज के मॉडर्न जमाने में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर की है। एक हस्बैंड और एक एक्स वाइफ और एक्स हस्बैंड अभी भी दोस्त हैं। बच्चे के लिए वो कितना, मतलब कितने हद तक वो अपना रिलेशनशिप को साइड में रख के बच्चे की जो इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। सो ऐसा है फिल्म।